जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज बात करेंगे हम लोग वेक्सेल लाइफ के लिमिटेड कंपनी के बारे में। देखिए, अभी इस कंपनी के शेयर प्राइस में एक शानदार उछाल देखने को मिलने लगा है। यही होता है सब्र का फल। यदि जिन लोगों ने अपने बुरे समय में, जब इस स्टॉक का प्राइस लगता है नीचे जा रहा था, उस समय थोड़ा सा सब्र रखा होगा, भरोसा किया होगा इस स्टॉक पे, अपने इन्वेस्टमेंट पे, तो उनको अभी इस स्टॉक में अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। और जो लोग डर के इस स्टॉक से बाहर हो गए होंगे कि इसमें लॉस हो रहा है, इसलिए वो लोग एग्जिट हो गए होंगे, तो उनको अभी अभी तो खैर कुछ नहीं, चूंकि बाहर निकल गए हैं, लेकिन उनको लॉस हुआ होगा और लॉस में बाहर निकल गए हैं। तो स्टॉक मार्केट में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें समय दीजिए, पेशेंस रखिए। स्टॉक मार्केट में पेशेंस पेशेंस से ही आपको पैसा बनता है, तो इसलिए ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। चलिए समझते हैं, ये जो तेज़ी से स्टॉक में देखने को मिले, तेज़ी कहाँ तक इसमें देखने को मिलेगी, और नए लोग जो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो एवरेजिंग करना चाहते हैं पुराने लोग, उनके उनके लिए क्या रणनीति रहेगी, उन्हें क्या करने की ज़रूरत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जब आप BSE की वेबसाइट पर वेक्सेल लाइफ के लिमिटेड को आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये स्टॉक अभी ESM की कैटेगरी में है। हालांकि ESM स्टेज वन में है, तो ये कुछ खास आपको दिक्कत नहीं देगा, इजीली आप इसमें बाय सेल कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टॉक बीच बीच में अपर सर्किट भी लग रहा है, और कहीं ना कहीं अपर सर्किट का ही कमाल के स्टॉक में इतनी तेज मूवमेंट हुआ है, प्राइस काफ़ी ऊपर बढ़ा है। मैं चार्ट पर आपको दिखाऊंगा। तो ये जब अपर सर्किट लगता है तब आपको कहीं बाय करने में दिक्कत आ सकता है, लेकिन अपर सर्किट डेली नहीं रखता है, नहीं लगता है। यहाँ पर देखेंगे 1 अप्रैल के बाद अभी तक बीच में कहीं भी अपर सर्किट नहीं लगा, तो बाद में आप चाहें तो इस स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं, या एवरेजिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर आप ये देखेंगे कि कंपनी का भी बोर्ड मीटिंग हुआ था हाल के दिनों में ही, और ये जो बोर्ड मीटिंग हुआ है यहाँ पे, ये कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर आने वाले हैं Q4 के, उसके लिए हुआ था। तो जब कंपनी का भी इसी मंथ के लास्ट तक, या हो सकता है मई मंथ के फर्स्ट वीक में, आपको कंपनी के Q4 के नतीजे आते हुए दिखे, जो कि काफ़ी एक्सपेक्टेड है कि एक अच्छे रिजल्ट आएंगे। और जब कंपनी का रिजल्ट अच्छा आता है तो शेयर प्राइस में ऑलरेडी अभी तेजी चली रही है, और जब रिजल्ट अच्छा आ जाएगा तो और भी इसमें आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो सीधे हम लोग चलते हैं पहले कंपनी के चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम समझ लेते हैं तेजी के पीछे का खेल, और उसके बाद बाकी चीजों को, जैसे कंपनी के काम और फंडामेंटल के बेसिस पे नए लोगों के लिए इसमें निवेश की सलाह और बातों को समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अभी 1 साल के चार्ट पर हम आ गए हैं, और 1 साल के चार्ट पर देखेंगे प्राइस क्या हुआ कि इस लेवल को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था आपको, या इस लेवल तक मान लें, यहाँ पे स्टॉक क्या कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। और आप सभी जानते हैं जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेट करता है तो उसे बाहर निकालता है तो प्राइस ऊपर जाता है। तो जो लोग इस लॉजिक को समझते होंगे वो लोग यहाँ पे बने रहे होंगे, और उनको अच्छा खासा बेनिफिट हुआ। प्राइस चूंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस के पास जाता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होता है, और फिर प्राइस करेक्ट के नीचे आता है। तो इसी नीचे आने के बाद बहुत से लोग इसमें से बाहर हो गए, वॉल्यूम भी कम होते हुए यहाँ पे दिखा, इसलिए मैं कह रहा हूँ बाहर हुए। लोग बाहर हुए तभी यहाँ पे आपको वॉल्यूम देखिए यहाँ पे कम होते हुए दिखा है। अब ये लोग को क्या लगा, जो लोग बाहर हो जाते हैं, क्योंकि इनको ये लगा कि प्राइस, अब चूंकि ये गिर रहा था तो बीच में लोअर सिंपल लग रहा था, तो लोग पैनिक हो जाते हैं, पैनिक में आकर लोग बेच देते हैं। और चूंकि उनको उम्मीद था कि इस लेवल के आसपास आएगा, जो कि इसके लिए मतलब एक प्रकार सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन प्राइस इसके नीचे आ गया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ऑपरेटर्स होते हैं वो गेम करते हैं, प्राइस को जहाँ तक गिरना होता है उससे भी थोड़ा नीचे तक गिरा के ले जाते हैं, और फिर वहाँ से सबसे नीचे से उठाते हैं। लेकिन यदि आपको इसमें भरोसा होता कंपनी के काम पर, कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस को आप बेहतर समझते, तो आपको समझ में आता कि इसमें ये जो लाइन आप देख रहे हैं 2 रुपये का, 2 रुपए का लेवल तो 1, 2, 3, ये तो एक ऐसे भी साइकोलॉजिकल नंबर होता है, तो ये भी अपने आप में एक सपोर्ट का काम करेगा। प्लस यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक का प्राइस आपको कई बार आपको रिजेक्शन लेते हुए दिखेगा, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो प्राइस यदि गिर रहा है तो कहाँ तक गिरेगा, एक लिमिट तक ही गिरेगा, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड प्राइस गिरते ही जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे नहीं रुका प्राइस, हालांकि थोड़ा सा समय बिताया था लेकिन प्राइस टूट गया, तो आपको यहाँ तक भी नहीं रुका, तो यहाँ तक का वेट करना चाहिए था। जिन लोगों ने वेट किया उनको अच्छा खासा देखिए प्राइस यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, और फिर से धीरे धीरे बढ़ बढ़ के प्राइस 3 रुपये 3.5 रुपये तक जाएगा। तो आपको करना क्या है कि यदि आप एवरेजिंग करना चाहते हैं तो इस लेवल के जब ऊपर निकले 2 रुपये 60 पैसा के ऊपर तो निकल ही गया है, तो यहाँ पे आप एवरेजिंग अपने हिसाब से, हालांकि एवरेजिंग तब की जाती है जब प्राइस नीचे आता है, बढ़ते हुए प्राइस में एवरेजिंग नहीं करना चाहिए, तो आप एवरेजिंग ना करें तो बेहतर होगा। जो लोग नई एंट्री लेना चाहते हैं वो यहाँ पे बेसिक एंट्री ले सकते हैं। 3.5 रुपये तक का पहला टारगेट होगा, स्टॉक का प्राइस जो बढ़ रहा है यहाँ से इजिली 3.5 रुपये तक आपको धीरे धीरे करके जाते हुए दिखेगा। गिरना भी होगा तो 3.5 रुपये के नीचे थोड़ा सा गिरेगा, और फिर जब प्राइस रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाएगा तो 5 रुपये तक जाएगा, और 5 रुपये के बाद एक करेक्शन आ सकता है, उसके पहले करेक्शन आने के चांसेज नहीं है, अभी प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर ही जाएगा। लंबी अवधि में जो आप इस स्टॉक को देखते हैं, 10 साल के चार्ट में ओपन किया, तो अभी इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 1416 रुपये के आसपास है, 16 रुपये काफ़ी दूर है। हालांकि स्टॉक का प्राइस एक बार यहाँ से बढ़ना शुरू हो गया है, 4 रुपये के लेवल को निकालेगा, ये जो 4 रुपये का लेवल है, तो इजीली इसका प्राइस 5 रुपये तक इसमें बताया तो आ ही जाएगा। और 5 रुपये तक आने के बाद जैसे प्राइस थोड़ा सा करेक्ट करके नीचे आएगा, और प्राइस करेक्ट करके नीचे आने के बाद ऊपर उठेगा, तो इजीली आपको
ये यहाँ पे 8 से 10 रुपए के भी जाते हुए दिखेगा, और फिर धीरे धीरे करके प्राइस आपको 16 रुपये तक, 16 रुपये तक जाने में बहुत टाइम है, लेकिन आप फिलहाल शॉर्ट टर्म इसमें 5 रुपये तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। 5 रुपये तक का स्टॉक का प्राइस जाएगा, फिर मैं वीडियो बनाऊंगा कि आगे इसमें क्या करना है, तो जो नए और पुराने लोग हैं उनको क्या करना है उनको मैंने जानकारी दे दी है। बाकी जैसे मैंने बताया कि अभी इस कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर आने वाले हों, क्वार्टर्स के नंबर एक्सपेक्टेड नहीं कि अच्छे आएंगे, तो शेयर प्राइस में भी और भी तेजी बने रहने के चांसेज हैं, तो आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है तो बेशक समय दीजिए। समय देंगे तब आपको अच्छा खासा बेनिफिट स्टॉक में होगा, किसी भी स्टॉक में होगा, यदि आप सही समय पर एंट्री लेते हैं तब यह भी मायने रखता है। तो उम्मीद करता हूँ वेक्सेल लाइफ केयर के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी कंपनी का काम धाम काफ़ी बढ़िया है, बेसिकली जो कंपनी है आपको केमिकल के सेक्टर में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ट्रेडिंग और मैनुफैक्चरिंग करते हुए दिख जाते हैं, तो काम के हिसाब से वो बाकी ओवरऑल फंडामेंटल भी कंपनी का अच्छा है, इसके हिसाब से आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें जा सकते हैं। कोई सवाल होगा तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।